एरवी मी कोणत्याही व्यक्तीला किंवा व्यक्तींना प्रत्यक्षपणे व अप्रत्यक्षपणे कळवणार नाही किंवा त्यांच्याकडे उघड करणार नाही. और ये देखिए, बिल्कुल उलट तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं महाराष्ट्र की राजनीति में. किस बात के कयास आस लगाए जा रहे थे कि आज उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री पद की शपथ ले लें कि अगर ये सरकार बनाने की पेशकश तीनों पार्टियां कर देती हैं, ये उलट ही तस्वीर नजर आई है. अब आप इसके मायने निकालिए, क्योंकि लगातार जी न्यूज आपको बता रहा था, हमने आपको ये भी बताया था कि जब शरद पवार गए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने, यानी मुलाकात करने दो दिन पहले, तो इसके मायने अपने आप में इसलिए खास थे क्योंकि उसके दो दिन पहले सदन में प्रधानमंत्री मोदी ने शरद पवार की तारीफ की थी. और आपको ये भी याद होगा कि ये साफ तौर पर कहा गया था बीजेपी की तरफ से कि सरकार बनाई जाएगी, कुछ दिन रुक जाइए, बीजेपी सरकार बनाएगी. तो ये अभी तक साफ नहीं हो पा रहा था शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस के बीच में कि वाकई क्या ये लोग चाहते हैं. तस्वीरें आप देख लीजिए एक बार फिर से. हम आपको बता रहे हैं कि महाराष्ट्र की राजनीति में क्या सोचा था और क्या हो गया. ये शिवसेना के लिए बहुत ही शॉकिंग होंगी ये तस्वीरें. शिवसेना के हाथ में शायद अब कुछ नहीं रहा और इन तस्वीरों के बाद तो अभी वो सकते में होगी, क्योंकि अभी तक तो कल ये सहमति बनी कि उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री होंगे. और ये कहा जा रहा था, आपको भी हम बता रहे थे मॉर्निंग जी में, हम लगातार आपको बता रहे थे कि उद्धव ठाकरे ये कह रहे थे कि हम तो 5 साल का शिवसेना का मुख्यमंत्री चाहते हैं, लेकिन एनसीपी ने कहा कि नहीं नहीं 2.5 साल का फॉर्मूला है, इसी पर हम टिके रहेंगे, इसी पर हम चाहते हैं कि आगे बढ़े. तो अब इसको समझिए, ये हो सकता है कि अगर शिवसेना ने कल जो मीटिंग हुई तीनों पार्टियों की उसमें इस फॉर्मूले को रखा हो कि शिवसेना चाहती है कि 5 साल का मुख्यमंत्री उसी का रहे, तो ये भी ये इसको इस तरह से भी समझा जा सकता है. इसी पर एनसीपी राजी नहीं हुई और इसीलिए बीजेपी के साथ, बीजेपी का हाथ थामकर एनसीपी ने प्रदेश में सरकार बना दी है. बीजेपी तब से लेके अब तक, जब से नतीजे आए और शिवसेना ने अपना मुख्यमंत्री बनाने की जो मांग रखी, जब बीजेपी ने यह कह दिया कि वो सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है, उसके उस दिन से और अब तक वेट एंड वॉच की भूमिका निभा रही थी बीजेपी. और अब ये देखिए बाजी प्रदेश में किसने मारी. अभी तक कौन सा भी कोई भी गवर्नमेंट बना नहीं सका और महाराष्ट्र में इतने अलग अलग प्रॉब्लम है, ज़्यादा करके फार्मर्स के जो प्रॉब्लम है, बाकी लोगों के जो प्रॉब्लम है वो हल करने के लिए लोगों ने चुना हुआ अगर गवर्नमेंट आता है तो उसमें से अच्छे से रास्ता निकालना को मदद हो सकती है, डिसीजन जल्द से जल्द हम ले सकते हैं. इसीलिए हमने ये सब निर्णय लिया और आज गवर्नमेंट हमने स्थापित किया है. दादा, ज्या प्रकारे अजून ही चर्चा सुरू होती, काल एनसीपीचे लोक, शिवसेना आणि काँग्रेस सगळे लोक सोबत बसले होते, त्यामध्ये काय अशी अडचण आली की तुम्हाला नाही? त्याच्यामध्ये काय झालं की जी काही वेगवेगळ्या प्रकारची ती चर्चा संपतच नव्हती. गेले एक महिनाभर चर्चा नुसती चालली होती, चर्चेत कुठलाही प्रकारचा मार्ग निघत नव्हता. त्याच्यामध्ये नको त्या गोष्टीची डिमांड वाढायला लागलेली होती आणि मला वाटलं की बाबा हे तिघंजण येऊन जर अशा पद्धतीचे प्रॉब्लेम्स जर क्रिएट होत असतील तर पुढं स्थिर सरकार कसं मिळणार? शेवटी राज्याला स्थिर सरकारची गरज आहे आणि स्थिर सरकारच्या दृष्टिकोनातनं हा निर्णय मी घेतला. या निमित्ताने मी राज्यातल्या तमाम जनतेला मनपूर्वक शुभेच्छा देतो आणि त्यांना एक विश्वास देतो की त्यांनी जो काही आम्हाला विश्वास टाकलेला आहे तो विश्वासाला कुठेही तडा जाऊन न देता अतिशय चांगल्या पद्धतीचा कारभार आम्ही दोघंजणं ह्या महाराष्ट्राच्या करता करत आहोत. पवार साहेबांना याच्याबद्दल माहिती आहे? मी सुरुवातीच्या काळामध्ये ह्या सगळ्या गोष्टी त्यांना माहिती होत्या, परंतु नंतरच्या काळामध्ये हे मी त्यांना पहिल्यापासून म्हणत होतो की स्थिर सरकारच्याबद्दलच आपण निर्णय त्या ठिकाणी घेतला पाहिजे.
लोकांनी असा कौल दिला की कुणालाच पूर्ण मेजॉरिटी त्या ठिकाणी दिली नाही कुठल्याही एका पक्षाला, आणि त्याच्यामुळं कुणीतरी दोघांनी एकत्र आल्याशिवाय किंवा कुणीतरी तिघांनी एकत्र आल्याशिवाय सरकार होत नव्हतं। अंकुर त्यागी मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और मेरे वरिष्ठ सहयोगी राहुल सिन्हा भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राहुल, ये कब मतलब ये कैसे पूरी रणनीति बनी है, तो अलग ही तस्वीर निकल कर आ गई सुबह सुबह। देखिए ये बड़ा चौंकाने वाली स्थिति है, लेकिन जो स्थितियां चल रही थी और जिस तरीके से शरद पवार का रुख देखने को मिल रहा था उसमें ये संभावनाएं बताई भी जा रही थी और इस तरीके से लग रहा था कि हो सकता है कि बीजेपी और एक महीना हो गया आज, कल 24 तारीख हो जाएगी नवंबर की, भी शिवसेना ने जो किया क्या उसके बाद ये करने की नौबत आई? देखिए सबसे पहले तो मैं हमारे नेता आदरणीय मोदी जी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित भाई शाह जी, हमारे कार्याध्यक्ष नड्डा जी, इन सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने फिर एक बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के रूप में मुझे सेवा करने का मौका दिया। मूल रूप से महाराष्ट्र की जनता ने एक बहुत स्पष्ट जनादेश दिया था, किंतु उस जनादेश को नकारते हुए हमारे साथ लड़ी शिवसेना पार्टी ने, हमारे साथ गठबंधन करने की जगह दूसरी ओर गठबंधन करने का प्रयास शुरू किया और जिसके चलते महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ। और महाराष्ट्र में कितना समय राष्ट्रपति शासन लागू हो, महाराष्ट्र जैसे एक अग्रणी राज्य को ये शोभा भी नहीं देता, और इसके चलते महाराष्ट्र को एक स्थिर शासन देने की आवश्यकता थी, कोई खिचड़ी शासन नहीं जहां पर तीन ऐसी पार्टियां साथ में आ जाए और कोई सरकार बना दे जो चल भी ना पाए। और ऐसे समय मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता श्री अजीत दादा पवार जी का अभिनंदन भी करना चाहूँगा, उनका आभार भी व्यक्त करना चाहूँगा कि उन्होंने ये निर्णय लिया कि महाराष्ट्र को एक स्थायी सरकार मिले, इस हेतु से वे भारतीय जनता पार्टी के साथ आएंगे। हमारे साथ में कुछ अन्य लोग भी आए हैं और इसके चलते हमने हमारा दावा आदरणीय राज्यपाल जी को पेश किया। उस दावे की पुष्टि करते हुए आदरणीय राज्यपाल जी ने माननीय राष्ट्रपति जी से अनुशंसा की कि राष्ट्रपति शासन वापस लिया जाए, और राष्ट्रपति शासन वापस लेने के बाद आज यहाँ पर हमको माननीय राज्यपाल जी ने शपथ का निमंत्रण दिया। मैंने और श्री अजीत दादा पवार इन्होंने शपथ ली है, मैंने मुख्यमंत्री पद के लिए है, उन्होंने उप मुख्यमंत्री पद के लिए है, और मेरा विश्वास है कि महाराष्ट्र में एक स्थिर स्थायी इस प्रकार की सरकार हम लोग दे पाएंगे। आज सर्वात पहिल्यांदा मी आमचे नेते आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, आमचे अध्यक्ष अमित भाई शहा आणि त्यासोबत आमचे कार्याध्यक्ष श्री नड्डा जी यांचे आभार मानतो की महाराष्ट्राची सेवा करण्याची संधी पुन्हा एकदा त्यांनी आम्हाला या ठिकाणी दिली। तो मेरे साथ इस वक्त तो ये बड़ी खबर लगातार हम आपको बता रहे हैं, और इस वक्त मेरे साथ अंकुर त्यागी और मेरे वरिष्ठ सहयोगी शैलेश रंजन भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राहुल सिन्हा भी फोन पर जुड़े हुए हैं। शैलेश, सबसे सबसे बड़ी बात यह है कि यह सबके लिए शॉकिंग है और सबसे बड़ा झटका तो शिवसेना को। देखिए ये सबसे बड़ी बात जो इसमें यह है कि जिसके पास नंबर है वही सरकार बनाएगा, और जिस तरह से ये कोशिश हो रही थी कि शिवसेना कांग्रेस और एनसीपी मिलकर सरकार बनाए, ये ऊपर ऊपर कोशिश हो रही थी। और पिछले आप 72 घंटे या उससे ज्यादा के थोड़े से डेवलपमेंट को देखेंगे तो उसमें इस बात की तरफ इशारा हो रहा था कि एनसीपी और बीजेपी की नजदीकियां बढ़ रही हैं। मसलन शरद पवार की जो मीटिंग थी जिसमें किसानों को लेकर चर्चा होनी थी प्रधानमंत्री और अमित शाह से, इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें ऐसी हो रही थी, ऐसा लग रहा था कि हो सकता है कि दोनों की नजदीकियां बढ़ रही हैं। लेकिन जो कवायद लगाए जा रहे थे कि शनिवार के दिन सीट शेयर का फॉर्मूला और बाकी चीजें हो जाएंगी दूसरी तरफ से, इन तमाम चीजों को रोकने के लिए संभवतः देवेंद्र फडणवीस ने ये शपथ लिया है। और उसमें जो अब आने वाले वक्त में जो सबसे बड़ा सवाल खड़ा किया जाएगा वो ये होगा कि आखिरकार गवर्नर ने इन्हें क्यों बुलाया। तो मैं आपको बताऊं कि जो भारत में जो सरकारिया कमीशन के जो रिकमेंडेशन थे, सरकारिया कमीशन ने राज्यपालों की भूमिका को लेकर एक बहुत बड़ा रिकमेंडेशन दिया था। उसमें ये था कि राज्यपाल इस बात को तय करेगी कि किसके पास 5 साल फिर सरकार चलाने के लिए बहुमत
है और उसी को वो न्योता देंगे सरकार बनाने के लिए। तो संभवतः राज्यपाल ने इसका और सुप्रीम कोर्ट के कुछ और फैसलों का हवाला देते हुए इन्हें इन्विटेशन दिया होगा। जी, और उसी को लेकर ये पूरी तैयारी बीजेपी की तरफ से की गई थी, क्योंकि जिस तरह से तुरंत ये शपथ लेने की सीधी तस्वीरें आई हैं, हम लगातार जी न्यूज पर आपको दिखा रहे हैं, उसके बाद ये साफ हो जाता है। राहुल सिन्हा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राहुल, अगर अब इसको ऐसे देखा जाए कि अभी तक तो कल शरद पवार ही कहते हुए नजर आ रहे थे कि इसमें कोई दो राय नहीं है, कि अब मुख्यमंत्री जो बनेंगे वो उद्धव ठाकरे ही बनेंगे। अच्छा, राहुल हमारे साथ अभी नहीं है, राहुल से हम फिर से संपर्क साधेंगे। संजय मुंबई से हमारे साथ जुड़ गए। संजय, कल तो शरद पवार ने कुछ और कहा, उद्धव ठाकरे के नाम पर सहमति की बात वो कर रहे थे और आज देवेंद्र फडणवीस ने शपथ ले ली है। ये बिल्कुल रात भर के अंदर कहते हैं कि गेम पलटा है और ये जो चीज़ है बहुत ही शॉकिंग है, ना सिर्फ मीडिया के लिए लेकिन बाकी महाराष्ट्र के तमाम राजनीति को जो वॉच करते हैं वो लोग और खासकर सभी पार्टियों के विधायकों के लिए। यानी जब फिलहाल जब कांग्रेस और शिवसेना के नेता जब सो रहे होंगे आराम की नींद में और सोच रहे होंगे, सपने देख रहे होंगे सरकार बनाने का, उसमें सुबह सुबह अचानक जाकर देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार शपथ ले लेते हैं मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री पद की। अपने आप में काफ़ी बड़ा घटनाक्रम है, काफ़ी अचानक हुआ घटनाक्रम है जिसके बारे में महाराष्ट्र में भी नहीं पता था। इवन भाजपा के बहुत सारे जो विधायक वगैरह थे उनको भी इस बारे में किसी भी तरह की जानकारी हासिल नहीं हुई थी, क्योंकि गिने चुने जो लोग थे, देवेंद्र फडणवीस को पता था, उनके साथ में जो चंद्रकांत पाटिल हैं जो स्टेट के अध्यक्ष भाजपा के उनको पता था, और साथ ही गिरीश महाजन जो एक संकट मोचक माने जाते हैं इस सरकार के उनको पता था। तो ये 3-4 लोगों को ही पता था, उसके बारे में नहीं था। और कल रात तक जिस तरह से घटनाक्रम का चल रहा था, ना तो शरद पवार की तरफ से, ना तो एनसीपी की तरफ से, ना ही अजीत पवार की तरफ से इस तरह का कोई इंडिकेशन दिया गया था कि ये अचानक इस तरह का उलटफेर हो जाएगा। तो अपने आप में बहुत ही बड़ा घटनाक्रम, और इसके बारे में समझने की जरूरत है कि कैसे बीजेपी ने रातों रात किया। जैसे फडणवीस अगर जब आप स्टेटमेंट और रिएक्शन दे रहे थे शपथ लेने के तुरंत बाद, उनका अभी जो रिएक्शन आया उसमें उन्होंने अपने नरेंद्र मोदी को, अमित शाह को और जेपी नड्डा जो उनके कार्याध्यक्ष हैं उनको धन्यवाद दिया। तो कहीं ना कहीं ये लंबे तौर से बातचीत चल रही थी उनके बीच में और काफ़ी लंबे वक्त से चल रही थी और उसके बाद ये हो गया। और इसका एक मतलब और भी निकलता है कि जो प्लानिंग वगैरह थी, शायद शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी ने अपनी तरफ से बातचीत को इतना लंबा खींच लिया था, इतनी लंबी कर ली थी कि बीजेपी को एक गेम पलटने के लिए मौका मिल गया। क्योंकि हमेशा बात कही जा रही थी कि इतनी ज्यादा देरी क्यों हो रही है शरद पवार की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संजय मुलाकात होना, इससे दो दिन पहले प्रधानमंत्री की शरद पवार की तारीफ कर देना, मायने तो उसी वक्त बहुत कुछ निकाले गए थे और अब उन्हें अमली जामा पहना दिया गया आज तो। जी जी, देखिए इसके बारे में सही बात है कि शरद पवार की एक बैठक हुई थी तो प्रधानमंत्री के साथ में सोमवार के दिन, जिसमें उन्होंने कहा था, और उस बैठक का ऑफिशियल तौर पे जो मुद्दा था वो कहा गया था कि किसानों के मुद्दे पर जाकर मिले शरद पवार ने मुलाकात की है। शिवसेना को भी जब पूछा गया था तो उसने भी ये कहा था कि किसानों का जो मसला है उसके ऊपर ये लोग जाकर, प्रधानमंत्री ने बधाई भी दे दी है, संजय प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर बधाई दी है देवेंद्र फडणवीस को और महाराष्ट्र की जनता को भी कि उन्हें मुख्यमंत्री मिल गया, सरकार मिल गई और देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बने हैं महाराष्ट्र के। लेकिन संजय, इसमें कई सारी बातें हैं। आपने कहा कि सुकून की नींद सो रहे होंगे जितने भी शिव सैनिक हैं, क्योंकि कल तो मेयर भी उनका बना तो फूले नहीं समा रहे थे कि अब तो भाई सरकार भी हमारी बनने वाली है, मुख्यमंत्री भी हमारा बनने वाला है, अभी तो सोकर भी नहीं उठे होंगे। जी बिल्कुल, आप तो सोके भी नहीं उठे होंगे और सबसे बड़े उनको झटके वाली जो खबर है वो मिली है, कैसे रिएक्शन देते हैं बहुत दिलचस्प होगा ये जानना, क्योंकि कहीं ना कहीं शायद संकेत आ रहे थे जिसको पढ़ नहीं पाए। जैसे नरेंद्र मोदी जब लोकसभा राज्यसभा में तारीफ करते हैं शरद पवार और उनकी पार्टी की, उसके बाद शरद पवार किसानों के मसले पे मुलाकात करते हैं, और खासकर बीजेपी जो लगातार पिछले हफ्ते तक स्टेटमेंट दे रही थी कि हम वेट एंड वॉच की भूमिका है, इस पूरे हफ्ते बीजेपी शांत रही, उसकी तरफ से किसी भी तरह का स्टेटमेंट नहीं आया। ये शांति है उसके पीछे के राज को भी शायद लोग समझ नहीं पाए। गवर्नर थे शायद इनको, एक्चुअली में दो दिन की गवर्नर की कॉन्फ्रेंस चल रही है दिल्ली में जिसमें कल राष्ट्रपति ने संबोधन किया था, प्रधानमंत्री उसका समापन करने वाले थे, उनकी स्पीच थे, गवर्नर उसमें भी गवर्नर नहीं गए थे। ऐसे बहुत सारे अलग अलग तरह के संकेत थे और उन संकेतों को पढ़ने में कहीं ना कहीं कांग्रेस और शिवसेना विफल रहे हैं। अब खास बात जानने लायक बात है कि जब अजीत पवार ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है तो क्या उसमें शरद पवार की रजामंदी है या ऑल टुगेदर पूरी एनसीपी की रजामंदी है या नहीं है, क्योंकि पहले से एक एनसीपी में दो फाड़ हुए थे, क्योंकि अजीत पवार बहुत पहले से बीजेपी के साथ
सत्ता बनाने के पक्ष में थे, लेकिन शायद दूसरे जो कई सारे नेता थे जो इस पक्ष में नहीं थे, या तो अब शरद पवार की सचमुच इसमें सहमति है या नहीं है, ये बहुत ही दिलचस्प जानने लायक बात होगी कि किस तरह से हुआ। लेकिन कुल मिला के देखा जा रहा है कि खेल पर्दे के पीछे से चल रहा था और इतना बड़ा सरप्राइज के तौर पे जो आया है महाराष्ट्र के लिए। सहमति, आपसी सहमति का जिक्र अभी आपने किया, तो फिर इस बात को भी हम नकार नहीं सकते, कल जब शरद पवार बैठक से निकलते हैं और उद्धव ठाकरे के नाम पर सहमति जताकर ये कहते हैं कि सभी पार्टियों में उनके नाम को लेकर सहमति हो गई है, तो फिर ये तो एक नेता होने के नाते उनकी बात पर एकदम उलट जाना, भाई फिर इसे कैसे समझा जाए? देखिए, शरद पवार के बारे में जैसे हम जानते कि वो राजनीति में कलाबाजी खाने के उस्ताद रहे हैं, ये उनके बारे में कहा है कि कलाबाजी उन्होंने बहुत बार खाई है, बहुत बार अपनी की बातों से पलटे हैं। और शरद पवार के बारे में एक बहुत मशहूर कहावत है, जो कहते हैं वो करते नहीं, जो करते हैं वो कहते नहीं है, ये उनके बारे में हमेशा महाराष्ट्र की राजनीति में कहा जाता है। इसके पहले भी उन्होंने इस तरह के बहुत सारे अनएक्सपेक्टेड मूव कर चुके हैं जिसके सरकार बनाने को लेकर, तो अब ये वाली जो चीज़ हुई है वो डेफिनेटली शरद पवार का इन्वॉल्वमेंट है या नहीं, उनकी मंजूरी है या नहीं, और आगे किस तरह का स्टैंड लेते हैं उसके उस पर बहुत कुछ डिपेंड करता है। अजीत पवार और एनसीपी काफ़ी वक्त से सत्ता में रहना चाह रहे थे, दरअसल में कि सब तैयारी लगभग पूरी हो चुकी थी एनसीपी कांग्रेस और शिवसेना की तरफ से, उसके बाद अचानक इतने पलट जाना है, सत्ता तो ऐसे भी एनसीपी के पास आई रही। संजय, ये भी तो कहा जा रहा था कि शिवसेना ये कह रही है भाई 5 साल हम ही मुख्यमंत्री रहेंगे, तो क्या इस बात से एनसीपी नाराज थी और फिर ये कदम उठाया गया? कल ऐसा भी कुछ हुआ बैठक में, ये भी तो जानकारी थी। जी देखिए, ये बिल्कुल इस बात को भी लेकर हो रहा था कि शिवसेना चाह रही थी कि जो मुख्यमंत्री उनका हो और 5 साल तक रहे, जबकि एनसीपी की तरफ से ये कहना था, खासकर अजीत पवार के समर्थक जो गुट थे एनसीपी में, उसका ये कहना था कि पहले 2.5 साल शिवसेना का मुख्यमंत्री हो और उसके बाद का जो 2.5 साल है वो एनसीपी की तरफ से मुख्यमंत्री हो और अजीत पवार मुख्यमंत्री हो, ये एक बात थी। उसके अलावा एक और बात थी कि जब मुख्यमंत्री शिवसेना का जो भी व्यक्ति बनेगा उसके अंडर के अजीत पवार जैसे जो सीनियर नेता हैं क्या वो काम करेंगे, उद्धव ठाकरे अगर नहीं बनते और दूसरे नेताओं के नाम चल रहे थे तो क्या अजीत पवार उनके अंडर काम करेंगे, ये अपने आप में एक दूसरा सवाल था। तो ये इसको लेके एनसीपी में कहीं ना कहीं नाराजगी थी, एक अच्छा खासा विधायकों का वर्ग था वो बहुत बड़ा, लेकिन ये खिचड़ी देखिए सुबुगाट लगातार और लंबे वक्त से चल रही होगी, ये अचानक ओवरनाइट होने वाला डेवलपमेंट नहीं है। विधायकों से एटलीस्ट अपने खुद के गुट के समर्थक विधायकों से जरूर बातचीत की गई होगी। ठीक है संजय, आप बने रहिएगा मेरे साथ, आप बने रहिए, शैलेश रंजन भी लगातार हमारे साथ फोन पर बने हुए हैं। शैलेश, अभी हम देवेंद्र फडणवीस को सुन रहे थे, उन्होंने कहीं भी शरद पवार का जिक्र नहीं किया, उन्होंने कहा शुक्रिया मैं करता हूं मैं अजीत पवार का, इसके कैसे मायने निकाले जाए? और फिर जब इसी के साथ इसके मायने हम शीट शेयरिंग में निकालेंगे तो जरा समझाइए प्लीज। देखिए, शीट शेयरिंग में मैं आपको एक बात बिल्कुल साफ कर दूं कि गवर्नर के पास जो भी अधिकार होता है उसके हिसाब से वो उसी पार्टी को बुलाता है सरकार बनाने के लिए जिसके पास बहुमत है, और गवर्नर ने इस बात को पूरी तरह से देख लिया होगा कि इन दोनों को मिलाकर बहुमत पार्टी के पास हो रही है जिसकी वजह से इनको इन्वाइट किया गया है। और जो जहां तक शीट शेयरिंग का सवाल है तो इसमें आपको बता दूं पिछले 72 घंटे से थोड़ा सा पहले अगर आप जाएंगे तो जो डेवलपमेंट हुए थे वो बहुत ही अलग तरीके से हुए थे। शरद पवार दोनों तरफ बात कर रहे थे, बीजेपी से भी बात कर रहे थे और शिवसेना से भी बात कर रहे थे। बीजेपी ये चाह रही थी कि किसी भी तरीके से शिवसेना की सरकार नहीं बने, क्योंकि बीजेपी का ये मानना था कि प्री पोल अलायंस जो हुआ था वो शिवसेना के साथ हुआ था और जनता ने जो मैंडेट दिया है वो भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई में और शिवसेना के साथ का मैंडेट दिया था, और इसी वजह से लगातार शिवसेना को मनाने की कोशिश भी होती रही। मैं आपको याद दिलाऊं कि जब बीजेपी के साथ में जब बातचीत चल रही थी शिवसेना की, उस दौरान में उप मुख्यमंत्री पद की कुर्सी को लेकर लगातार बीजेपी कहती आई कि हम उन्हें देने के लिए तैयार हैं, लेकिन शिवसेना कहती रही कि 50-50 का फॉर्मूला है, उसी फॉर्मूले पर हम काम करेंगे, यानी कि 2.5 साल मुख्यमंत्री बीजेपी का, 2.5 साल मुख्यमंत्री शिवसेना का। इसकी वजह से ये पूरा मामला रुका था और उसके बाद भी रास्ते खोले रखे गए थे बीजेपी की तरफ से, लेकिन उसमें शिवसेना नहीं आई। शायद शिवसेना को ये लग रहा था कि सत्ता का सबसे सुनहरा मौका है और आगे इस तरह की चीजें नहीं हो सकती है, संभवतः यही उसके लिए नेगेटिव गया। क्योंकि मैं आपको बताऊं कि लोकतंत्र सबसे बड़ा खेल नंबर्स का है, जिसके पास नंबर्स है वही सरकार बनाएगी, और ये बात बिल्कुल आज साबित होती है कि बीजेपी ने वो नंबर जुटा लिए हैं और राज्यपाल को इस बात के लिए संतुष्ट कर पाई है। अब आने वाले जो डेवलपमेंट्स होंगे उसमें भले ही कोई लोकतंत्र की हत्या और बाकी चीजें की दुहाई देने की बात करेंगे, लेकिन
ये बात बिल्कुल तय है कि इनके पास नंबर्स हैं और ये सरकार बना चुके हैं।